तो आज हम एक नया व्लॉग शूट कर रहे हैं, तो हिम्मत भी नहीं है क्योंकि रोज़ा है, तो रोज़े में व्लॉग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आज इसमें हम क्या करेंगे कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, ठीक है, और जो होगा हमारा स्टेज माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करेंगे। इसको बिल्कुल एक्यूरेटली वेट करना पड़ता है। ये होते हैं पार्टिकल साइज, आप देख सकते हो, ये दिख रहे हैं आपको माइक्रोस्कोप के अंदर, हमने इन्हें फाइंड करा है। इससे पहले वाले ब्लॉग पे भी आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था लेबॉर्टरी वाले ब्लॉग पे, तो अब फिर मैं एक लेबॉर्टरी वाला ब्लॉग ही शूट कर रहा हूँ। ये रही मेरी प्रैक्टिकल फाइल्स, आज ये भी चेक करानी है, मेरा लैब को भी, मेरा बैग, मेरा पावर बैंक वगैरह, काफ़ी चीज़ें। तो अभी हम जाएंगे लेबॉर्टरी में, देखेंगे क्या हाल चल रहा है वहाँ के, क्या नहीं है, कैसा है सब कुछ। आज फिर से हमारी फार्मास्यूटिक्स की लैब है, मिलते हैं आपको आगे, तब तक के लिए ब्लॉग बाय। और जो होगा हमारा स्टेज माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करेंगे। आपने देखा होगा कि अब हमारे काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनका साइज़ हमें पता होना चाहिए कि कौन से पार्टिकल का कौन सा साइज़ है, ठीक है। तो उसका साइज़ डिटरमाइन करने के लिए आज जो है हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम क्या करेंगे उसके पार्टिकल साइज़ को डिटरमाइन करेंगे। बाकी अदर आते हैं, जैसे हमारा सीबिंग मेथड आ गया, उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। बट आज हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आपका जैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा उसमें थोड़ा देखेंगे इसे। तो पहले आप अपनी फाइल चेक करवाओ, उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म। हाँ ओके सर, हमारी फाइल कंप्लीट है। एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखा दिया, एक्सपेरिमेंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो रिक्वायरमेंट इसमें केमिकल इन्होंने बोला हुआ है एनी पाउडर सैंपल, तो वो देखते हैं सर क्या कहते हैं हमें। मैं सबसे पहले माइक्रोस्कोप लानी है, तो ये चीज़ें लाते हैं, मिलते हैं आपके आगे, देखो आप। ये हमारा बटर पेपर आ गया, पहले हम इसे ऑन करेंगे, इसके बाद हम इसे टेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम NaCl सॉल्यूशन हमारा ये डालना है, हमें 2 ग्राम डालना है, बोला हुआ है हमें। इसको बिल्कुल एक्यूरेटली वेट करना पड़ता है। ये NaCl आ गया, ये हमारी ग्लास रोड आ गई, ये हमारी बीकर आ गया, ये हमारा स्टेज माइक्रोमीटर, ये आ गई हमारी 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इन सब से हमें करना है NaCl का पार्टिकल साइज डिटरमाइन।
कैसे होता है कैसे नहीं होता सब कुछ आपको दिखाएंगे आगे से आगे डिटेल में, बस जुड़े रहो वीडियो में। तो अभी पहले हमने माइक्रोस्कोप को सेट कर लिया है टूल पे, तो अब पहले हमें इसे साफ़ करनी है, इसके लेंसेज वगैरह सब कुछ। तो फिर उसके बाद क्या होगा मतलब आगे मैं बता दूँगा जो भी है। ड्राई करना पड़ेगा हॉट एयर अवन में, इसको हम ड्राई करेंगे। तो ये आ गया हमारी ग्लास स्लाइड, ये आ गया हमारा हॉट एयर अवन, इसको हम पहले लगाएंगे बटन ऑन करके। और इसमें हमें करना है ग्लास स्लाइड को पहले जगह पे रखना है और इसको हमें ऑन करना है। इसका टेम्परेचर हम ले लेते हैं 50 पे, इसे हमें फिर यहाँ से बंद करना है। आफ्टर 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर ये क्लियर हो जाएगा, ये मतलब अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद इसे निकाल कर माइक्रोस्कोप पे फिट करना है, उसके बाद हमें उसका डिटर्मिनेशन जो करना है जिसमें मैंने पहले बताया। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। अभी इसके 5 मिनट हो गए, अब इसको हम बाहर निकालते हैं प्लस स्लाइड को, इसे हम करते हैं बंद और इसे यहाँ से हम निकाल देते हैं और यहाँ इसे कर देते हैं ऑफ करेंगे इसमें। तब तक इसे एडजस्ट करना है जब तक हमें इसके पार्टिकल साइज ना दिखे। तो फाइनली अभी हमने इसके पार्टिकल साइज हमने फाइंड कर लिए, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये होते हैं पार्टिकल साइज, आप देख सकते हो ये दिख रहे हैं आपको माइक्रोस्कोप के अंदर, हमने इन्हें फाइंड करा है। यही था हमारा आज का प्रैक्टिकल। तो ये हैं पार्टिकल साइज, हमें इन्हें काफ़ी कम से कम हमें 15 मिनट तक माइक्रोस्कोप को अच्छे से एडजस्ट करना पड़ा, उसके बाद जाके ये निकले हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि नमक साल्ट, ये साल्ट के जो है पार्टिकल साइज हैं। तो हमने एक तरह से जो प्रैक्टिकल है वो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें इसका एक सस्पेंशन बनाना है, उसके बाद उस सस्पेंशन का पार्टिकल साइज हमें चेक करना है कि उसका पार्टिकल साइज क्या रहता है। और उसमें सबसे पहले हमने एक बीकर लिया हुआ था, तो ये 100 ml का बीकर, पहले हमें इसे वॉश करना है, इसको अच्छे से वॉश करना है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स के अंदर ना हो। वॉश करने के बाद इसको हमें जो हॉट एयर अवन है उसमें सुखाने की जरूरत नहीं है, इसे ड्राई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सस्पेंशन बनाना है। तो हम इसे जितना हो सके पानी ऐसे से करके गिरा देंगे। तो अब हम एक सिंपल सस्पेंशन बना रहे हैं जिसमें हमें ये सॉलिड पार्टिकल प्लस लिक्विड को मिक्स करना है, या कि हमारा डिस्टिल्ड वाटर जो हम बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटी में ले रहे हैं 5 मिनट की, फिर हमें सस्पेंशन बनाना है। अब हमें इसे ग्लास रॉड से तब तक स्टर करना है जब तक ये पूरा ही डिजॉल्व ना हो जाए वाटर में। सस्पेंशन जो हमने अभी तैयार किया हमने सर को दे दिया, अब सर हमें बताएंगे कि कैसे इसे करना है। अभी देखो हमने क्या किया कि जो सॉल्यूशन बनाया था सस्पेंशन का उसको अब हम चेक करेंगे, उसके पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि इसको ग्लास स्लाइड पे ऐड कर दिया, ग्लास स्लाइड पे ऐड करने के बाद क्या किया इसको कि अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। आज का आपका प्रैक्टिकल था, आपने जो है पार्टिकल साइज डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिकल आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल। फाइनली ऐसे करा हमने ये प्रैक्टिकल अपना परफॉर्म, पहले हमने एक ड्राई सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज चेक करा, फिर हमने इसका एक सस्पेंशन बनाया, फिर वैसे ही पार्टिकल साइज इसका चेक करा। और अब इस व्लॉग को करते हैं हम यहाँ एंड, मिलेंगे आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ध्यान रखना साथ में मेरा भी रखना, बाकी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट
इंटरेस्टिंग व्लॉग में, जो कि होगा हमारा फिर से लेबोरेटरी बेस्ड। बाय बाय। सबसे पहले अभी हमने लिया हुआ है, ये हमारा बटर पेपर है, ये हमारी वेटिंग मशीन है, इसको हम टेयर करेंगे, जीरो पे लाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ रखेंगे और ये हमें इसमें सोशल डालना है ताकि हम बाद में ये पकड़ कर सकें।